वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन शावरमे की रेसिपी और उसके साथ जो रोटी होती है उसकी भी रेसिपी। तीन का फ्लावर है जो कि मैंने मेजर करके रखा हुआ था, और ये ईस्ट है और ये शुगर है, और ये ऑयल है जो हम इसको यूज़ करेंगे इसको डालने के लिए, और ये गर्म पानी है ताकि हम इसको इसे मतलब ठंडे पानी से नहीं गूंदना है, इसको हमें गर्म पानी से गूंदना होगा, हल्के गर्म पानी से। 1 से 1.5 चम्मच चीनी डालेंगे, एक चम्मच इसमें सॉल्ट डालेंगे, और ये हम ईस्ट डाल देंगे इसमें, और हम इसको कम से कम 2 चम्मच के करीब हम तेल डालेंगे। गून लेंगे, आटा गून चुका है, अब हम इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और इसमें मल के इसको 2 घंटे के लिए राइस होने के लिए रख देंगे। किसी आप गीले कपड़े से इसको ढक दें और इसको आप किसी ओवन या माइक्रोवेव में 2 घंटे के लिए रख दें ताकि ये फूल कितना अच्छा हो जाए, जिससे हमारी रोटी बहुत अच्छी बने। टाइम हम लोग शावरमे की तैयारी करते हैं। ये तकरीबन 1 kg के करीब हमारा चिकन ब्रेस्ट है जिसको हमने बोटियों की सूरत में काट लिया है लंबी लंबी, और ये हमारा लेमन जूस है, और ये हमारा दही है, ये काली मिर्च है, काली मिर्च पाउडर है, ये हमारा ज़ीरा पाउडर है, ये हमारा नमक है, ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये बारबेक्यू सॉस है, और उसमें ऑयल भी डाल देता है एंड में, अब ऑयल भी डाल देंगे। तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब दही डालेंगे, ये 2 टेबल स्पून हमारा बारबेक्यू सॉस है, और हम 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे। वैसे आप जायके के मुताबिक डाल सकते हैं, आपको जो कम ज़्यादा करना है तो आप कर सकती हैं। और ये हमने 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का ले लिया, ये हमने 1 टेबल स्पून जीरे पाउडर का ले लिया, और हमने 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर का ले लिया, ये हमने 1 चम्मच लेमन का डाल लिया। मैं इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाल रही हूँ, कम से कम 1 टेबल स्पून के करीब, ये नेसेसरी नहीं है, आप इसको पसंद करती हैं तो डाल लें, नहीं तो ये क्या मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, और थोड़ा ऑयल डालेंगे। इसमें हम लहसुन अदरक पेस्ट भी ऐड करेंगे, तो मैरिनेट कर लेंगे, और इसको तकरीबन हम 2 घंटे के लिए रखेंगे। इसके दरमियान में हम इसकी सॉस तैयार करेंगे और आपको सैलेड के भी इंग्रेडिएंट्स, इसका सॉस बनाने की तैयारी करेंगे। हमने लिया है मायनीस, ये वाला लिए 1 कप मायनीस लिए, 1 कप हमने दही लिए, और ये हमने गार्लिक लिया है चॉप किया हुआ, और ये रेंच है, अगर आपके पास है तो आप ले लें, ऑप्शनल है, नहीं तो आपकी मर्जी है, और ये ब्लैक पेपर है। चलें स्टार्ट करते हैं, इसमें डालेंगे दही डालेंगे, ये 1 टेबल स्पून हमारा लहसुन होगा जो उसका चॉप किया हुआ गार्लिक है हमारा, और स्पून हम ब्लैक पेपर लेंगे, और ये हम थोड़ा सा रेंच भी इसमें मिला देंगे, 2 टेबल स्पून के करीब मिला दें इसमें, और अब हम इसको खूब अच्छी तरह से फेंट के इसकी सॉस बना लें। ये मेरे पास सैलेड है जो कि रेडीमेड है, इसमें ग्रीन कैबेज, पर्पल कैबेज और ये कैरेट है, और मेरे पास ये वो है रेड पेपर, येलो पेपर, ग्रीन पेपर, और ये क्यूकम्बर है, और ये ब्लैक पेपर है। मेरे पास इटालियन ड्रेसिंग है जो कि मैं इसमें यूज़ करूँगी, अगर आपके पास नहीं हो तो आप सिर्फ काली मिर्च और नमक से भी सैलेड को तैयार कर सकती हैं, और ये है गार्लिक सॉल्ट जो कि मैं थोड़ा सा यूज़ करूँगी नमक की जगह पे। इसमें और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगी, हाफ चम्मच में इसमें सॉल्ट का डालूंगी,
और ये जो ड्रेसिंग इटालियन ड्रेसिंग है इसमें ऑलरेडी सब चीज़ मिक्स होती है, तो आप अपने जायके के हिसाब से सब चीज़ डालिएगा। मैं इसको मिक्स कर लूँगी। ये हमारी सैलेड तैयार हो चुकी है। और ये जो पेपर है, ग्रीन पेपर और रेड पेपर, येलो पेपर, ये मैं अलग से इसके ऊपर रखूँगी। और ये ऑप्शनल है, आप इसका साथ डाल दें, अलग से रखें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक पॉट लेंगे जिसमें हम 1/4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अच्छा, मैंने की चिकन डाल दिया, इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे और इसका पानी निकल जाए खुश्क होने तक हम इसको भूनेंगे। देख सकते हैं व्यूअर्स, इसका कितना अच्छा कलर आ गया है और ये बिल्कुल बोटी गल चुकी है और बहुत टेस्टी लग रही है। चलिए अब हम इसको ना इसके ब्रेड बनाते हैं और उसके बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। ऐसे खाने बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, आपको खिलाएं। मैं आपसे एक डिनर नॉलेज का सवाल पूछती हूँ कि शावरमा कहाँ की डिश है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। शावरमा कंप्लीट हो चुका है और अब हम इसका फ्लेम बंद कर देंगे और इसकी ब्रेड को तैयार करेंगे। आप व्यूअर्स कि हमारी डो राइस हो चुकी है और अब हम इसको निकाल के इसके पेड़े बनाएंगे। इतनी अच्छी फूल चुकी है कि हमारी रोटी बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब हम इसको काट लेंगे जिस हिसाब से हमें पेड़े बनाने हैं, काट लेंगे। व्यूअर्स, मैंने पेड़े बना लिए हैं, अब हम इसकी रोटी बना लेंगे। फोम खुश्की लगाएंगे, उसको बेलेंगे। हम इसमें रोटी डालेंगे उसको नीचे से सिकने का वेट करेंगे। जब ऊपर से बबल आने लग जाएंगे तो फिर हम दूसरी साइड इसकी पलट सकते हैं कि अभी हमने पलटा नहीं, इसमें बबल आना शुरू हो गए, अब हम इसको पलट देंगे। देख सकते हैं कितनी अच्छी रोटी बन गई है और इस पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे हम फिर पलट के। रोटी तैयार हो चुकी है, हम इसको शावरमे को सर्व करेंगे। सैलेड डालेंगे, चिकन डालेंगे, येलो पेपर डालेंगे डालेंगे केचप डालेंगे, इसमें मायनीज डालेंगे, डालेंगे। लिए हमारा शावरमा तैयार हो चुका है और हमने इसको सर्व भी कर दिया है। आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट्स में कि आपको ये कैसा लगा। सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियोस दे सकूं। फरमाइश हो आप मुझे कमेंट्स में बताएं और अब मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह। I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes.